शिवम शिवम नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इज़राइल के इतिहास के बारे में। हर एसनी हर तरह की पशु बलि, मांस भक्षण या मदिरापान के विरुद्ध थे। हर एसनी की दीक्षा के समय प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। वो प्रतिज्ञा क्या थी कि मैं परमात्मा का भक्त रहूंगा, मैं मनुष्य मात्र के साथ सदा न्याय का व्यवहार करूंगा, मैं कभी किसी पर हिंसा नहीं करूंगा, ना किसी को हानि पहुंचाऊंगा, मनुष्य मात्र के साथ मैं अपने वचनों का पालन करूंगा और मैं सदा सत्य से प्रेम करूंगा। ये सारी चीज़ें थी। तो ये उनका इतिहास रहा। अब यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता का अंत कब हुआ? यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता का अंत उस समय हुआ जब सन 66 ईसा पूर्व में रोम के जनरल पाम्पे ने 3 महीने के घेरे के पश्चात जेरूसलम के साथ साथ सारे देश पर अधिकार कर लिया था। और इतिहास लेखों के अनुसार हजारों यहूदी लड़ाई में मारे गए और 12,000 यहूदी कत्ल कर दिए गए थे। तो ये इनका इतिहास था। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे क्रूसेड के बारे में आपको बताया, 1147 ईस्वी से लेकर सन 1200 तक ईसाइयों ने धर्म युद्ध, जिसे क्रूसेडो कहा जाता है, इसराइल पर कब्जा करना चाहा, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सन 1212 ईस्वी में ईसाई महंतों ने 50,000 किशोर वयस्क बालक और बालिकाओं की एक सेना तैयार करके 5वें धर्म युद्ध की घोषणा की और इनमें से अधिकांश बच्चे भूमध्य सागर में डूब कर समाप्त हो गए थे। इसके बाद इस पवित्र भूमि पर आधिपत्य करने के लिए ईसाइयों ने 4 असफल धर्म युद्ध और किए। 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुलाकू और उसके बाद तैमूर लंग ने जेरूसलम पर आक्रमण करके उसे निस्तंभूत कर दिया। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी तक इसराइल पर कभी मिश्र का आधिपत्य रहा तो कभी तुर्क का, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1914 में जिस समय पहला विश्व युद्ध हुआ, इसराइल तुर्की के कब्जे में था। 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, तो ये मध्य एशिया के एक बड़े हिस्से तक फैल चुका ओटोमन साम्राज्य भी कमज़ोर हो चुका था। इस समय तक कई देशों में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। इटालियन एक अलग राज्य इटली की मांग कर रहे थे, तो जर्मनी अपने लिए अलग जर्मन राज्य की मांग कर रहे थे। तब तक संचार के साधन, प्रेस, रेल, सड़क के कारण विचारों का एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना बहुत आसान हो चुका था। तो ब्रिटेन की अधीनता और नए राष्ट्र का उदय होना शुरू हो गया था। सन 1917 में ब्रिटिश सेनाओं ने इस पर अधिकार कर लिया था। 2 नवंबर सन 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री वालफोर ने यह घोषणा की कि इसराइल को ब्रिटिश सरकार यहूदियों का धर्म देश बनाना चाहती है, जिसमें सारे संसार के यहूदी यहाँ आकर बस सकें। मित्र राष्ट्रों ने इस घोषणा की पुष्टि की और इस घोषणा के बाद से इसराइल में यहूदियों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली गई और लगभग 21 वर्ष, मतलब दूसरा वर्ष, दूसरे विश्व युद्ध लगभग 21 वर्ष के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने सन 1948 में एक इज़राइल नामक यहूदी राष्ट्र की विधिवत स्थापना की थी। तो यहूदियों में भी अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के लिए तीव्र भावनाएं उमड़ी थी और अब यहूदी एक अलग देश की इच्छा करने लगे जहाँ वो चैन से रह सकें। उनके मन में अपने पूर्वजों के देश इसराइल को दोबारा से आबाद करने की भावना धर करने लगी थी, जहां फिलहाल ओटोमन शासकों का कब्जा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की एंट्री हुई थी। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो यह वो समय था जब यहूदियों को उनकी मातृभूमि मिलने की दिशा में टर्निंग पॉइंट आया था। इसराइल का कब्जा धारक तुर्की प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों के खिलाफ वाले गठबंधन में शामिल हो गया, यानी तुर्की ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के गुट में शामिल होकर ब्रिटेन की दुश्मनी मोल ले ली,
जो कि उस समय सबसे ताकतवर शक्ति थी। और इसी समय तुर्की के शासकों ने फिलिस्तीन से उन सभी यहूदियों खदेड़ना शुरू कर दिया था जो रूस और यूरोप के अन्य देशों से आए हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध से अरबी लोगों को भी नुकसान हो रहा था जो कि इसराइल में बहुमत में थे। तो इन दोनों परिस्थितियों का लाभ लेने के लिए ब्रिटेन ने अरब और फिलिस्तीन को तुर्की शासन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी, बशर्ते कि अरब देश और फिलिस्तीन तुर्की के विरोध में मित्र सेनाओं के साथ आ जाएं। तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस में गुप्त समझौता हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में गुप्त रूप से साइकस पिकोट समझौता हुआ। इस एग्रीमेंट के साथ रूस की भी सहमति थी। इस समझौते के अंतर्गत तय हुआ युद्ध जीतने के बाद मध्य एशिया का कौन सा हिस्सा किस देश को मिलेगा। और इस समझौते में तय हुआ कि जॉर्डन, इराक और फिलिस्तीन ब्रिटेन को मिलेंगे। सन 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव लॉर्ड वेलफोर और यहूदी नेता लॉर्ड रूथ सचाइल्ड के बीच एक पत्र व्यवहार हुआ जिसमें लॉर्ड वेलफोर ने ब्रिटेन की ओर से आश्वासन दिया कि फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि के रूप में बनाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। ब्रिटेन के विदेश सचिव लॉर्ड वेलफोर की इसी घोषणा को बेलफोर घोषणा कहा जाता है। उस समय मुस्लिमों की आबादी फिलिस्तीन की कुल आबादी की 3/4 से भी ज़्यादा थी और इस समझौते के तहत इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया गया। स्वाभाविक रूप से बेलफोर घोषणा का विरोध शुरू हो गया। फिलिस्तीन मुस्लिमों ने इसका ज़ोरदार विरोध किया। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद सन 1920 को इटली में सैन रिमो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मित्र राष्ट्रों ने और अमेरिका ने मिलकर ब्रिटेन को अस्थाई जनादेश दिया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि के रूप में विकसित कराए और वहीं फिलिस्तीन का स्थानीय प्रशासन भी ब्रिटेन ही देखेगा। तो इस तरह अरबी लोगों को भी यह समझौता मंजूर नहीं था क्योंकि वह किसी भी हालत में यहूदियों के साथ सत्ता साझा नहीं करना चाहते थे। तभी ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी कि ब्रिटेन को फिलिस्तीन का जो हिस्सा संभालने के लिए मिला था उसके दो हिस्से कर दिए गए। उसके बड़े हिस्से को ट्रांस जॉर्डन कहा गया और छोटे हिस्से को फिलिस्तीन। बाद में ट्रांस जॉर्डन को जॉर्डन के रूप में एक स्वतंत्र देश मान लिया गया। प्रस्तावित यहूदी मातृभूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रांस जॉर्डन के रूप में उनके हाथ से निकल गया। तो यहूदियों को लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसके बाद यहूदी ब्रिटेन के विरोध में आ गए। यह वही समय था जब पोलैंड और पूर्वी यूरोप में यहूदियों के साथ अत्याचार हो रहे थे। यहूदी अपनी जान बचाकर फिलिस्तीन की तरफ भागने लगे थे। जर्मनी में हिटलर राज आने के बाद लाखों की संख्या में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। यहूदी अंतिम आस के रूप में फिलिस्तीन की तरफ कूच करने लगे। लाखों की संख्या में आए यहूदियों के कारण अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष बढ़ने लगे, दंगे होने लगे, कत्लेआम होने लगे। इसी बीच सन 1936 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटी जिसने यहूदी अरबी संघर्ष को और अधिक तीव्र कर दिया। ब्रिटेन की फौज ने एक ऐसे धर्मगुरु की हत्या कर दी जो यहूदियों और ब्रिटेन के खिलाफ विरोध का झंडा खड़ा किए हुए था। इससे गुस्साए अरबियों ने इस घटना के बाद विद्रोह कर दिया। अब यहूदियों और अरबों का फिलिस्तीन पर कब्जे के लिए होने वाला संघर्ष भूमिगत सशस्त्र समूह के हाथ में चला गया और इस संघर्ष में हजारों लोगों ने जान गंवाई। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने विश्व के शक्ति केंद्रों को बदल दिया। अब ब्रिटेन का सूरज अमेरिकी रोशनी के आगे धीमा पड़ना लगा था और यह भी यहूदी विद्रोही समूहों ने अवैध रूप से यहूदियों को फिलिस्तीन में लाना जारी रखा। अमेरिका और अन्य देशों ने भी अब ब्रिटेन पर फिलिस्तीन में यहूदियों के प्रवास के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। एक तो ब्रिटेन पहले जैसा मजबूत शक्ति नहीं रहा, दूसरा यहूदियों के संघर्ष में उसे खाम का जान माल की हानि हो रही थी। तो लगातार होने वाले दंगों से फिलिस्तीन ब्रिटेन के गले की हड्डी बन गया था। तो आखिरकार ब्रिटेन ने खुद को फिलिस्तीन मामले से अलग कर लिया। तभी 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो चुकी थी।
तो ऐसे में ताजा तरीन तौर पर फिलिस्तीन का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के हाथों में आ गया और उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने झगड़े की जटिलता को समझते हुए फिलिस्तीन को दो हिस्सों, एक अरब राज और यहूदी राज मतलब इसराइल में विभाजित कर दिया। जेरूसलम जो ईसाई अरब और यहूदी तीनों मजहबों को मानने वालों के लिए आस्था का स्थल था उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन के अंतर्गत रखे जाने की घोषणा कर दी गई। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत जेरूसलम को कॉर्पस स्पेक्ट्रम कहा गया यानी कि जेरूसलम के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सरकार का प्रबंधन रहेगा। यहूदियों के यह प्रस्ताव स्वीकार्य था लेकिन अरबों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। तो फिर 5 जुलाई सन 1950 को इसराइल की पार्लियामेंट में एक नया कानून भी बनाया गया जिसके अनुसार संसार के किसी कोने से यहूदियों को इसराइल में आकर बसने की स्वतंत्रता मिली और ये कानून बन जाने के 7 वर्षों के अंदर इसराइल में 7 लाख यहूदी बाहर से आकर बसे। अभी जो जेरूसलम था वहाँ ये विभाजन जो है वो लागू नहीं किया जा सका क्योंकि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण और विभाजन बहुत जटिल कार्य था। इस विभाजन में फिलिस्तीन के 70% अरब लोगों को 42% क्षेत्र ही मिला जबकि यही लोग विभाजन के पहले 92% क्षेत्र पर काबिज थे। अतः किसी प्रकार के विभाजन अरबों को माने नहीं था। 1948 आत्याती ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली जिससे अब यहूदियों और फिलिस्तीन में खूनी टकराव शुरू हो गया। मौका पाते ही यहूदियों ने इसराइल के रूप में एक स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। तो इस तरह से इसराइल पूरी दुनिया के यहूदियों का प्रमुख निवास स्थान बन गया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।